हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट्सएप की कुछ फेक न्यूज के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप पे कई तरह की फेक न्यूज या फेक इमेजेस आती रहती है, मगर कोई जानना नहीं चाहता कि ये न्यूज फेक है, ये इमेज फेक है या फिर रियल। बस उस पर क्लिक कर देते हैं और किसी ग्रुप में वो सेंड कर देते हैं। मगर दोस्तों देखिए, एडिटिंग का अभी जमाना चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो इमेज को एडिट करते रहते हैं, फोटोज को एडिट करते रहते हैं, और कई ऐसे लोग भी हैं जो एकदम प्रोफेशनली इमेज को एडिट करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि ये इमेज हकीकत में रियल है या फिर फेक, और आप उस इमेज पे यकीन भी कर लेते हो। तो मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आपके व्हाट्सएप पे ऐसी कोई इमेज आती है तो आप कैसे पता लगाएं कि वो इमेज रियल है या फिर फेक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं आईटेक। और अभी तक नहीं, अब मैं करके दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि कैसे लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो देखिए, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे लाइक का बटन है, तो आप इस बटन पे क्लिक करके लाइक कर दीजिए, और ये जो बटन यहाँ पे दिया हुआ है इस वाले पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो बाजू में नोटिफिकेशन बेल है इस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज सुबह मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिस मैसेज में ऐसा लिखा हुआ था कि ये मैसेज किसी और ग्रुप में आप सेंड कर दीजिए, किसी और बंदे को आप सेंड कर दीजिए, तो ये जो फैमिली है उसे व्हाट्सएप के तरफ से 1 रुपया मिलेगा। उसके बाद जो नीचे इमेज थी, वो इमेज जैसे मैंने डाउनलोड की तो मैंने वहां पे देखा कि एक छोटी सी बच्ची थी जिसको बहुत सारी पट्टियां लगी हुई थी और बहुत ही इमोशनल इमेज थी। फिर मैंने सोचा कि कैसे व्हाट्सएप इस फैमिली को 1 रुपया देगा, ना यहाँ पे कोई बैंक की डिटेल्स है, ना यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट नंबर है, ना यहाँ पे कोई लिंक है, तो व्हाट्सएप कैसे 1 रुपया देगा। मैंने व्हाट्सएप की टर्म एंड कंडीशन वापस पढ़ी तो वहां पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था कि व्हाट्सएप ऐसे किसी शेयरिंग पे 1 रुपया देता है। तो ये न्यूज निकली फैक्ट। अब उसके बाद जो इमेज रही, वो इमेज के बारे में मुझे रिसर्च करना था, मुझे जानना था कि ये इमेज जो है छोटी सी बच्ची की, ये कहां से आई है, क्यों इसको सेंड किया है। तो मैंने गूगल की एक सर्विस है रिवर्स सर्च, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप, अगर आपके मोबाइल पे ऐसी कोई फेक इमेज आती है या फिर आपके फेसबुक पे, तो आप जान सकते हो कि वो इमेज रियल है या फिर फेक। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी मोबाइल की स्क्रीन ओपन हो चुकी है। उसके बाद आपको गूगल का पेज ओपन करना है, उसके बाद आपको इमेज पे क्लिक करना है, और ध्यान रखें दोस्तों कि आपका जो भी ब्राउजर है वो डेस्कटॉप मोड में ओपन होना चाहिए, उसी में खुलना चाहिए। तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद ये जो कैमरा यहाँ पे दिखाई देता है, उस कैमरे पे आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पे 2 ऑप्शन शो करेंगे। तो जो दूसरा ऑप्शन है गैलरी, उस पर आपको क्लिक करना है। जो भी इमेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है वो आपकी गैलरी में होनी चाहिए, आपको ऑलरेडी वो इमेज डाउनलोड कर लेनी पड़ेगी। फिर आपको वो इमेज पे क्लिक करना है और उसे यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे तो उस इमेज के रिलेटेड जितनी भी न्यूज होगी वो सारी आपको गूगल बता देगा, क्योंकि कोई भी इमेज होती है वो इमेज घूम फिर के गूगल के पास से ही तो जाती है, तो गूगल के पास उसका डेटा होता है। यानी हम इमेज को अगर अपलोड कर देते हैं तो गूगल हमको उस इमेज की इंफॉर्मेशन दे देता है। तो दोस्तों, इस ट्रिक से आप पता लगा सकते हैं कि ये इमेज रियल है या फिर फेक। तो दोस्तों, आशा रखता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ये वीडियो और भी जगह पे शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो फेक न्यूज या फेक इमेज में यकीन कर लेते हैं और वो गुमराह हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।